स्टैमिना कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। स्टैमिना कैसे बढ़ाना, बेड पर ज़्यादा समय तक कैसे टिकना, इसके बारे में काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं। स्टैमिना ऐसा एक जनरल शब्द है, स्टैमिना बोलते हम बोलते उसका स्टैमिना बहुत अच्छा है, बहुत देर तक वो काम कर सकता है, वो 12-12, 15-15 घंटे काम करता है, बहुत अच्छा स्टैमिना है उसका, ऐसे भी हम बात करते हैं। अब वो स्टैमिना की बात मैं नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा बेड पर स्टैमिना कैसे टिकना, मतलब बेड पर लास्ट कैसे होना, ज़्यादा देर तक कैसे टिकना चाहिए। कहते हैं कि बेड पर ज़्यादा समय तक टिकने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पर बेड पर जाना जरूरी है। आप जब सही समय पर बेड पर जाते हो, मतलब 9:30-10:30, तो डेफिनेटली, नहीं तो फिर क्या होता है कि बहुत लेट हो गया तो नींद अपना मतलब सवार हो जाती है आपके ऊपर, और फिर नींद आती है, इधर कोई इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती फिर सेक्स करने लगते हैं। फिजिकली आप फिट नहीं हो, दिन भर काम किया है, दिमाग में बहुत विचार है, तान तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटीज है, वरीज है, और वो लेके यदि आप बेड पर जाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाला है। लेडीज़ के लिए भी वही होता है, वो दिन भर काम करती है, बच्चों को देखना, खाना पकाना, ये सब करने के बाद में सब साफ़ सफाई करो, और सब करने के बाद में बेड पर जाना, तो 10:30, 11, 11:30, 12 इस तरह के हो जाते हैं, थक जाती है, दिन भर कुछ आराम किया नहीं है, और बाद में भी कुछ इच्छा रहती नहीं है, जाके सो जाओ। और ऐसे इसमें यदि हस्बैंड बोलता है कि नहीं नहीं अभी सेक्स करना है, तो उसको इच्छा रहती नहीं है, और फिर झगड़े झंझट चालू हो जाते हैं। बेड पर टिकने के लिए मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग होना और फिट होना जरूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यदि आपने हार्डवर्क किया है, आपकी इच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली सेक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत लोग जो हार्ड वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्कर्स है, या लंबे समय तक काम करते हैं, तो वो सैटरडे संडे ही सेक्स करते हैं, ताकि सैटरडे संडे लोगों को ऑफ रहता है, या कभी सैटरडे हाफ डे रहता है, तो लोग आराम करके फिर सेक्स कर सकते हैं। फिटनेस कैसा अच्छा बढ़ाना चाहिए, सेक्स फिट कैसे होना चाहिए, उसके लिए आप बताता हूँ कि एक तो 7-8 घंटे की नींद, रेगुलर नींद लेना, खान पान में कम से कम शुगर, बहुत ज़्यादा खान पान नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा खा रहे हो, वज़न बढ़ रहा है तो वो भी अच्छा नहीं है, वज़न एकदम कंट्रोल में होना है। वज़न ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो बेड पर टिक नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ नो मेडिकल इलनेस, यदि आपको घुटनों का दर्द है, पीठ का दर्द है, और कुछ दर्द है, तो फिर डेफिनेटली आप लास्ट लॉन्ग नहीं करेंगे, आपका जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि आप फिट नहीं हो और आपको लगता है चलो एक बार का निकाल डालो। वैसे फिर आपको शराब, कोई भी नशीले पदार्थों की लत, गांजा, फिर स्मोकिंग, तंबाकू, बीड़ी, ये कुछ भी लत नहीं होना चाहिए, ये जो है इससे प्रॉब्लम होता है, और डेफिनेटली सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, और कुछ लोगों को इजैकुलेशन भी जल्दी हो जाता है। विटामिन D3, विटामिन B12, मल्टीविटामिन्स ये आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकली फिट रहेंगे और आपका स्टेमिना बढ़ा हुआ रहेगा। नेचुरली क्या है कि आपने पार्टी टाइम्स आपको बैन करना पड़ेगा, क्या होता है पार्टी टाइम्स है, पार्टी में जाते हो, लेट नाइट घर में आएंगे, शराब पियेंगे, और घर में आने के बाद में अब सेक्स की इच्छा है, तब तक वाइफ सो गई है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, और वाइफ की इच्छा न होने का एक प्रमुख कारण है कि उसको पिछले बार या इसके पहले किए हुए सेक्स में मज़ा आया ही नहीं, उसका तो ऑर्गेजम हुआ ही नहीं, तो उसको लगता है कि ये आता है कुछ तो भी करता है चले जाता है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए प्रॉपर पार्टनर सेटिस्फैक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप सेक्स अच्छे से कर सके। एनिसेटाइज्ड कंडोम्स, एनिसेटिक क्रीम्स, दवाइयाँ, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है। कीगल्स एक्सरसाइज से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, उसका अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक जो है मास्टर्स एंड जॉनसन का, वो भी आप यदि अपनाते हैं तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा हो जाएगा। SSRI, बेंजोडाइजेपिन्स, थायराइडेजिन, ये जो दवाई है, ये दवाई से भी काफ़ी फायदा होता है और आपका स्टेमिना ज़्यादा समय तक टिक सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है।
तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।